नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार साहनी, सहायक शिक्षक LB, प्राथमिक शाला नदीपारा फापनपाल, संकुल केंद्र बोरजी, विकास खंड जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। और मेरी शैक्षणिक योग्यता BA आर्ट, साथ ही मैंने DED की हुई है। और मैं विगत 15 वर्षों से शिक्षकीय कार्य पर कार्यरत हूँ। और मेरी पोस्टिंग शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्रों में हुई और ग्रामीण परिवेश से आप सभी भली भांति परिचित हैं। माता पिताओं का साक्षर न होना और बोली स्थानीय बोली भाषा की दिक्कतें, ये सभी ग्रामीण परिवेश में होती है। तो मैंने देखा कि जहाँ पर मेरे शिक्षकीय कार्य है वहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं शाला स्तर पर, सभी बच्चे एक ही बोली भाषा के बच्चे थे। तो उनके घरों पर और शाला स्तर पर भी उन्हीं की बोली भाषा में बातें करते थे। तो मुझे बोली भाषा की दिक्कतें हुई, तो धीरे धीरे मैंने भी, मेरे साथी शिक्षक उसी गांव के होने के कारण से उनसे चर्चा करता था, इसको क्या बोलते हैं सर, ऐसे हिंदी में लिख करके मैं सीखता गया धीरे धीरे। और ऐसे करते फिर उनसे गोंडी में टूटा फूटा बात करते करते बच्चों में क्या होता था, आत्मीयता आता था और बच्चे खुल करके बात रखते थे। और कुछ चीज़ों को मैं हिंदी वर्ड्स को फिर क्या करता था, उसको गोंडी में ट्रांसलेशन करके बताता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे हिंदी सीख गए बच्चे। और आज की स्थिति में यहाँ पर ऐसे है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी सरलता से हिंदी आता है, साथ ही माता पिताओं को भी हिंदी आती है। तो और ग्रामीण परिवेश में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से प्राय देखा गया है हमारे क्षेत्रों में खेती किसानी और मजदूरी पर माता पिता निर्भर रहते हैं, जिसमें बच्चों को घरों की जिम्मेदारी, गाय बकरी की जिम्मेदारी और साथ ही छोटे बड़े कुछ कामों में भी बच्चों से सहयोग लेते हैं और बच्चे भी करते हैं। और इस वजह से हमारे स्कूलों में उपस्थिति की कमी रहती है। और हमने तो कई प्रशिक्षण लिया, तो इस प्रशिक्षण में ये जो अरविंदो सोसाइटी की प्रशिक्षण है, जिसमें हमारे श्री, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे राजेश साहू सर जी हैं जिन्होंने हमें ऑनलाइन टीचिंग किया और मार्गदर्शन दिया कैसे बच्चों को सरलता से और गतिविधि द्वारा शून्य निवेश बिना किसी खर्च से बच्चों को सिखाएं। ये पद्धति बहुत ही अच्छा रहा और इसे हमने हमारे स्कूल में इसको लागू किया, जिसमें बच्चे बहुत ही सरलता से, अच्छे ढंग से बच्चे मनोरंजन के साथ इसे सीख रहे हैं। मैं पूरी अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कोरोना काल में विकट परिस्थिति में हमारे गली मोहल्ला क्लास में ऑनलाइन संचालन करके हमें प्रशिक्षित किया, हमें लाभान्वित किया। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग रहा बच्चों में बहुत ही कारगर रहा, खेल खेल में गतिविधि द्वारा बहुत ही रोचक रहा। और मैं इस पद्धति से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे इसको क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। मैं अपनी शाला की ओर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।